हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का हिंदी में सिलेबस बता दिया था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर इंग्लिश में भी सिलेबस बता दीजिए क्योंकि इंग्लिश वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों को हिंदी में सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता दूंगा तो लो एज इट इज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को बताने वाला हूं फिर चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या इवन आप किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स सेम होगा यही इकोनॉमिक्स आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है ठीक है अब पहले कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इतना समझना है कि देयर आर टू यूनिट्स देयर आर टू यूनिट्स और देयर आर टू पार्ट इन क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स यानी आप लोगों के इकोनॉमिक्स में आप लोगों को दो ये जो क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स है इसमें आपको दो पार्ट मिलेगा पढ़ने के लिए ठीक है एज आई से अर्लियर इन हिंदी सिलेबस जैसे कि मैंने आपको हिंदी के सिलेबस में भी पहले बताया था दो पार्ट होगा जो इकोनॉमिक्स का हम लोगों का पार्ट ए होगा उसका नाम है हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स सर जी माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है और इसका जो दूसरा पार्ट होगा यानी बेसिकली इसका दूसरा पार्ट होगा यानी आपका ये जो पार्ट बी होगा उस पार्ट बी का नाम होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब हम क्या बोले कि क्लास ट्वेल्थ का ये जो इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है पार्ट ए का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर देयर आर फाइव यूनिट्स देयर आर फाइव यूनिट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो देयर आर फाइव यूनिट्स एंड देयर आर ऑल्सो फाइव यूनिट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने के लिए पाँच यूनिट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने के लिए पांच यूनिट बट द थिंग इज दैट देर आर इन टोटल इन देयर आर टोटल फोर्टीन चैप्टर्स दे आर आर फोर्टी चैप्टर्स टू बी स्टडी इन यूनिट फाइव यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो पांच यूनिट है उस पांच यूनिट के अंदर चौदह चैप्टर होंगे आगे हम आपको उन चौदह चैप्टर बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चौदह चैप्टर पढ़ना है और प्लस ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोगों का इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए टोटल सिक्सटीन चैप्टर्स मिलेंगे यानी अगर बात करें तो पार्ट ए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके अंदर पांच यूनिट है और पांच यूनिट के अंदर चौदह चैप्टर है और बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी पार्ट बी का तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पांच यूनिट है और पांच यूनिट में टोटल पढ़ने के लिए चौदह सोलह चैप्टर्स है तो चौदह और सोलह का अगर बात करें तो टोटल तो तीस चैप्टर जो है आप लोगों को माइक्रो सॉरी टोटल तीस चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है क्लियर है चलो अब हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि ये चौदह जो पढ़ना है हम लोगों को ये टोटल जो तीस पढ़ना है चैप्टर वो कौन कौन है तो देखो अच्छा से समझना यहां डिटेल में समझाने के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं देखो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि ये जो हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स का जो ये पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें ये पढ़ने के लिए हम लोगों के पास पांच यूनिट्स हैं पहला यूनिट्स है एन इंट्रोडक्शन दूसरा यूनिट्स है कंज्यूमर्स बिहेवियर्स एंड डिमांड तीसरा यूनिट्स है हम लोगों का प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पांच चौथा यूनिट है फॉर्म्स ऑफ ऑफ मार्केट्स एंड एंड प्राइसिंग इसके बाद टूल्स डिमांड सप्लाई ठीक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो पांच यूनिट्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं ठीक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया अब बात करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखो अब ये जो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो ये हम लोगों का पांच यूनिट्स है पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें भी पांच यूनिट्स है सबसे पहला एन इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है यहां से असली यूनिट्स स्टार्ट होगा नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम मनी एंड बैंकिंग गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है ये पांच यूनिट पढ़ने के लिए है मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब माइक्रो का पांच यूनिट्स बता दिए मैक्रो का पांच यूनिट्स बता दिए अब चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए चौदह चैप्टर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए सोलह चैप्टर है तो अब एक एक करके उन सारे चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं देखो ध्यान से समझना अब ये पूरा डिटेल्ड है किसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का किसका डिटेल है ये ये पूरा डिटेल है आपका ये पूरा डिटेल है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको पढ़ने के लिए चौदह चैप्टर है ये वो चौदह चैप्टर है कौन कौन देखो सबसे पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन दूसरा चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीसरा चैप्टर पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्लोबीरियम फोर्थ चैप्टर है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर चैप्टर है है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर है प्रोडक्शन कॉस्ट्स ठीक है एथ चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर है, है प्रोड्यूसर्स इक्लोबीरियम टेन चैप्टर है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई एलेवेंथ चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ट्वेल्थ चैप्टर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट्स थर्टींथ चैप्टर है मार्केट इक्लोबीरियम और लास्ट फोर्टीन चैप्टर है टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो इतना आपका टोटल ये जो फोर्टींथ चैप्टर है ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चलो जी तो जो ये रहा हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स मैक्रो यहां लिखा गया है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो ये जो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें पढ़ने के लिए टोटल आपका 16 चैप्टर है ठीक है तो 14 चैप्टर वहां तक हो गया चौदह तो के बाद ये पंद्रह नंबर का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन इसके बाद पंद्रह के बाद ये सोलह नंबर का चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी ये सत्रह नंबर का चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट्स ऑन नेशनल इनकम ये अठारह नंबर का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये उन्नीस नंबर का चैप्टर है मनी मीनिंग एवोल्यूशन एंड फंक्शन ये हम लोगों का बीस नंबर का चैप्टर है कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट कंट्रोल ये 21 नंबर का चैप्टर है सेंट्रल बैंक और यह हम लोगों का 22 नंबर का चैप्टर है इंडियन बैंकिंग सिस्टम 22 हुआ यहां तक 22 के बाद 23 नंबर का हम लोगों का चैप्टर है एग्रीगेट्स डिमांड एंड सप्लाई 24 नंबर है शॉर्ट रन इक्लुबिरियम शॉर्ट टर्म इक्लूबीरियम आउटपुट पच्चीस चैप्टर है यानी ट्वेंटी नंबर का चैप्टर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 26 नंबर का चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिशियंट एंड एक्सेस डिमांड 27th चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड 28 नंबर का चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स 29 नंबर का चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट और लास्ट 30 नंबर का चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक है बस इतना ही आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस है पार्ट ए और पार्ट बी में इकोनॉमिक्स टोटल आप लोगों का हंड्रेड मार्क्स का इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा हाँ ऐसा हो सकता है कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं जिसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ आपके सब्जेक्टिव होंगे और इकोनॉमिक्स का कुछ मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके स्कूल या कॉलेज से मिलेगा ये अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल कॉलेज में जमा करना नहीं होता है इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है ये इकोनॉमिक्स पूरे का पूरा हंड्रेड मार्क्स का आपका सिलेबस है और ये नन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कौन सा जी नन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल जमा नहीं होता है ठीक है चलो आई होप आपको इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस के बारे में पता चल गया बहुत स्टूडेंट मन में ये कंफ्यूज होता है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स में जब सिलेबस देखते हैं तो दिखता तो बहुत कम है लेकिन एग्जैक्ट पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा लगता है तो रीज़न यही है कि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ होता है वो इकोनॉमिक्स का यूनिट्स होता है उन यूनिट्स के अंदर कई सारे चैप्टर है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल पाँच यूनिट है लेकिन इस पाँच यूनिट के अंदर पढ़ने के लिए टोटल आपका चौदह चैप्टर है सिमिलरली अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पांच यूनिट्स है ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पांच यूनिट्स था लेकिन इन पांच यूनिट्स के अंदर में अगर टोटल चैप्टर देखते तो टोटल सोलह चैप्टर है पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है इसी में बहुत सारा स्टूडेंट जो है इस कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं उनको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता लेकिन हम आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस बता दिए कि क्या पढ़ना है ठीक है बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का क्लासेस लेकर के आएंगे साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं क्लास एलेवन ट्वेल्थ के या अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल में मैं आप लोगों को इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ाया करूंगा और बाकी कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को खुद भी तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इसे से शेयर कर देना ताकि उसका भी एग्जाम प्रिपरेशन में मदद हो सके और वो भी सारा सब्जेक्ट का तैयारी हमारे इस चैनल से कर सके ठीक है चलो बाय टेक केयर